बिहार के हाजीपुर में रविवार तड़के बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में जोगबनी से दिल्ली जा रही अनंत विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गयी। यह हादसा सुबह 3:58 पर हुआ। इस हादसे में अभी तक 7 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसे के बाद से ही एक तरफ जहां राहत बचाव कार्य जारी है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा रेलवे NDRF और स्थानीय अधिकारी पीड़ितों को हर संभव सहायता देने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे के बाद मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा है बिहार में हुए रेल हादसे से मैं बहुत आहत हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्रेन हादसे की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है वैशाली से सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास हिमाचल एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दुखद है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेलवे के साथ मिलकर राहत कार्य का अनुश्रवण कर रहे हैं। धड़क फिल्म के बाद से लोगों के दिलों में छाने के बाद जानवी कपूर लाइमलाइट को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं। अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग की वजह से जानवी कई फेमस मैगजीन के कवर पर अपनी जगह बना चुकी है, जिस वजह से अक्सर वह फैशन शोज में भी नजर आती हैं और शो में 4 चांद लगा देती हैं। हाल ही में मुंबई में हुए लक्मे फैशन वीक के रैंप में जानवी नजर आई। जानवी के साथ उनके चाचा और अभिनेता अनिल कपूर भी पहुंचे। जानवी फुल स्लीव ब्लैक ड्रेस में नजर आई। ब्लैक ड्रेस में जानवी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। इस खूबसूरत ड्रेस में जानवी ने रैंप वॉक किया। इसके साथ ही बॉलीवुड के सिम्बा यानी रणवीर सिंह भी जानवी कपूर के साथ इस शो में नजर आए। जानवी और अनिल कपूर फैशन शो में एक साथ नजर आए। दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री यहां देखने को मिली। लैक्मे फैशन वीक के वक्त रणवीर सिंह भी वहां मौजूद थे। डिजाइनर राघवेंद्र राठौर के ड्रेस में रणवीर सिंह, अनिल कपूर और जानवी कपूर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। खन्ना पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों से जाली करेंसी बनाने वाले पेपर मशीन केमिकल सहित लगभग 3,05,000 रुपए की जाली करेंसी बरामद करने का दावा किया है। पकड़े गए आरोपी अफ्रीका के नागरिक हैं। वहीं आरोपियों को काबू करने वाले ASI सुखबीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हाईटेक नाके पर सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों से 3,52,000 रुपए की जाली करेंसी के 2,000 के नोट बरामद हुए हैं। आरोपी से नोट छापने वाली मशीन, केमिकल और कागज भी मिले हैं। यह आरोपी साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। हाल ही में ये दिल्ली रह रहे थे। आप सबने कई तरह की पाठशालाएं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पेड़ वाली पाठशाला। इस पाठशाला में ना तो कोई एडमिशन फीस है और ना ही किसी तरह की कोई फीस। हम बात कर रहे हैं पंजाब के जालंधर शहर में चल रही इस अनोखी पाठशाला की। कॉलेज में पढ़ने वाले युवतियां और युवक मिलकर चला रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिवांगी और उसके दोस्तों ने मिलकर उनकी पाठशाला का नाम अंकुरम रखा है। इस नाम को रखने का उद्देश्य बताते हुए रागनी शर्मा ने बताया कि बीज से एक पौधा बनता है और ये बच्चे भी बीज की तरह हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने और अच्छा भविष्य देने के लिए हम उन्हें पढ़ाते हैं। शिवांगी ने यह प्रयास अकेले शुरू किया। जैसे जैसे दोस्तों को उसके इस इनिशिएटिव का पता चला तो वे उसकी मदद के लिए आगे आ गए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग, गेम्स और नई नई एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। शिवांगी के दोस्तों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनसे घुल मिल गए हैं, लेकिन खुले आसमान और पेड़ के नीचे पाठशाला होने के कारण बारिश के दिनों में उन्हें बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर बच्चों का कहना है कि उन्हें यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगता है।
और बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे पहले सिर्फ स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब वे ट्यूशन भी पढ़ते हैं जिनसे उनके बच्चों को पढ़ने में काफी आसानी होती है। शिवांगी और उसके दोस्तों द्वारा किया जा रहा ये कार्य काफी सराहनीय है और सरकार को भी इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी मदद करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार करने की संस्कृति को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर और लेह में लगभग 46,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यह बात की। लेह में एक कार्यक्रम में वह बोले, एक बार बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पूरी होने पर दिल्ली से लेह की दूरी कम हो जाएगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। संरक्षित क्षेत्र मंजूरी की वैधता को 15 दिनों तक के लिए बढ़ाया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा है कि यहाँ पर्यटन के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है। यहाँ 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोलने का निर्णय लिया है। इससे यहाँ आने वाले पर्यटक पूरा समय लेकर अपनी यात्रा का आनंद ले पाएंगे। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की वैधता भी बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। अब पर्यटक लेह में अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग में बदलाव हुए हैं। अब यह काउंसिलिंग क्षेत्र के विकास के लिए भेजा हुआ पैसा जारी कर रहा है। सलमान और कटरीना की अपकमिंग फिल्म भारत के लिए वेडिंग सीक्वेंस शूट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक वेडिंग सॉन्ग होगा। ये एक अपबीट सॉन्ग है। इस गाने को देखकर सलमान और कटरीना के फैंस को फेस्टिवल फील भी आएगा। इस गाने के लिए फिल्म के सेट को फूलों से डेकोरेट किया गया है। भारत के सेट से कैटरीना की एक फोटो भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो ब्राइड के लुक में दिख रही हैं। इससे पहले सलमान और कटरीना ने माल्टा में एक सॉन्ग की शूटिंग की थी। बता दें कि फिल्म भारत का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। अतुल अग्निहोत्री फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। भारत में सलमान खान, कैटरीना कैफ के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पटानी भी नजर आएंगी। भारत साल 2019 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। लेह में पीएम ने शैक्षिक और विकास कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। शिलान्यास करते हुए पीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से यह भी कहा कि शिलान्यास मैंने किया है, आपका आशीर्वाद मिला तो लोकार्पण करने मैं ही आऊंगा। मोदी का सीधा इशारा 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने की ओर था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पीएम का प्रदेश में यह पहला दौरा है। माना जा रहा है कि आम चुनावों से पहले मोदी का यह दौरा खास है।